आज देखिए फ्रेंड्स, हम बची दाल से बहुत टेस्टी पूरियां बनाएंगे। ये मेरी दादी की रेसिपी है। जब हम उनके घर जाते थे, दादी के घर छोटेपन में, तो वो दादी बनाया करती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन मतलब अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रेसिपी मेरे माइंड में है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मेरी दाल बची हुई है, एक कटोरी दाल, और ये प्याज मैंने एक मीडियम आकार का लिया है, कद्दूकस करेंगे। और ये धनिया पत्ती है, बारीक काट ली मैंने। और ये देखिए, इसमें मैंने लहसुन की 4-5 कली ली है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक और एक मिर्च, क्योंकि सब कुछ नमक मिर्च सब दाल में है, इसलिए हम ज़्यादा इसे मसाले नहीं डालेंगे। तो देखिए, दाल डाल ली, प्याज डाल लिया, अदरक लहसुन पेस्ट डाल लिया, धनिया पत्ती डाल ली हमने इसमें। अब हम इसमें आटा डालेंगे, एक कटोरी आटा। तो 12 पूरियाँ, 12-13 बड़े आराम से बन जाती है फ्रेंड्स एक उसमें। अब हम 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, तो इससे हमारी पूरियाँ जो है बहुत कुरकुरी बनेगी और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए, धनिया पाउडर हम डालेंगे, पत्ती तो हमने डाली थी, पाउडर भी डालेंगे, और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ज़्यादा ना डालें बस, क्योंकि दाल में भी है नमक। और ये देखिए, जीरा डालेंगे, थोड़ा सा जीरा, क्योंकि दाल तड़के लग गया हुआ है दाल में। और ये देखिए, एक पिंच हींग डालेंगे, हींग से बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है खाने में, आप जब बनाएंगे तब देखना। और अब हम आटे को गूंदेंगे, तो बहुत कैड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए, जैसे पूरी का आटा होता है ना। पानी बिल्कुल मत डालना, बिना पानी के ही ये अच्छा लग जाएगा आटा। अब हम इसमें हल्का हल्का सा फ्रेंड्स ऑयल लगाकर अपने हाथ पे, और इसको देखिए रिफाइंड लगाया ये मैंने, और इस तरह मुट्ठियाँ मार मार के खूब अच्छा गूंद लेंगे, ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। और ये जब चिपकना बंद हो जाए तो आप समझ लेना कि आपका आटा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी लोइयाँ बनाते हैं। तो देखिए, मैंने छोटी छोटी लोइयाँ काट ली हैं, और मैंने इसे ऐसे करके गोल करके पिचका दिया, ये देखिए। तो ये लगभग 12 या 13 के आसपास है। तो आप मेरे घर में, हम 3 लोग हैं तो हमारे लिए बहुत है ये, उसी हिसाब से मैंने बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने अभी अभी आलू भजिया तली है, तो तेल मेरा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसी के अंदर ही अपनी पूरियां उतारते हैं। तो बस बहुत बड़ी भी ना हो, बहुत छोटी ना हो, ज़्यादा पतली ना बनाना। ये देखिए, ऐसे हल्का हल्का सा पलटे से दबाएंगे तो ये अपने आप ही फूल जाएगी, क्योंकि तेल कम है ना, अगर तेल ज़्यादा होता है तो एकदम अपने आप ही फूल जाती है। ये देखिए कलर, आप देखो कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।